Hey, क्या माँ? पागल हो गई है क्या? उतर, देवता पर पाँव रखती है। बुद्धा ने खुद कहा कि कोई भगवान नहीं, आपने उन्हीं को भगवान बना दिया। ये जो सीन आपने देखा, इन दिनों इस पर खूब विवाद हो रहा है। शॉर्ट फिल्म धम्मम के इस सीन से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। तथागत बुद्ध को मानने वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि मशहूर फिल्म मेकर पा रंजीत ने इस सीन से बुद्ध का अपमान किया है। एक बच्ची बुद्ध के कंधों पर चढ़कर उड़ने की कोशिश करती है। उसका पिता कहता है कि भगवान की मूर्ति से नीचे उतरो, तो बच्ची कहती है कि बुद्ध ने कहा था कि कोई भी भगवान नहीं है, फिर आप उन्हें भगवान क्यों कह रहे हो। जातीय संघर्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई शॉर्ट फिल्म के इस सीन ने बहस छेड़ दी है कि क्या ये बौद्धों की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला सीन है। क्या तथागत बुद्ध को भगवान मानना ठीक है, ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। और क्या पा रंजीत ने क्रिएटिविटी के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर दिया है। आगे इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ लोगों की राय सुनाना चाहूंगा जिन्हें ये सीन आपत्तिजनक लग रहा है, ताकि आपको पूरा मामला समझने में आसानी हो सके और फिर कुछ तथ्य और कथनों के आधार पर बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग तक हम उसका विश्लेषण करेंगे। भिक्खू चंदिमा जी ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी है, उसका एक हिस्सा हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, कृपया तथागत भगवान बुद्ध के गरिमा के विरुद्ध आचरण न करें, इससे तथागत बुद्ध के अनुयायियों की भावनाएं आहत होती हैं। पा रंजीत तमिल के कन्वर्टेड दलित ईसाई हैं, इन्होंने भी जाने अनजाने भगवान बुद्ध की गरिमा के विपरीत वाला मार्ग अपना लिया है। वहीं फेसबुक पर विशंबर सिंह लिखते हैं, पा रंजीत उस वैचारिकी को न समझते हुए वाम मार्ग का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध के कंधों पर एक बच्ची को खड़े होते हुए अपने पिता से भगवान शब्द पर तर्क करते हुए दिखाया है, जो निहायत ही अशोभनीय और बेहुदा फिल्मांकन है। पा रंजीत को माफी मांगनी चाहिए। यानी कल तक जो पा रंजीत भोजनों की आन बान शान थे, बॉलीवुड के जातीय वर्चस्व को धूल में मिलाने वाले थे, भोजन नायकों और प्रतीकों को फिल्म में शानदार तरीके से दिखाने वाले थे और भोजनों के दिलों पर छाए हुए थे, आज वही पा रंजीत विलन से बन गए हैं। कोई उनके दलित होने पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो कोई उनके अज्ञानी होने की बात कह रहा है और माफी मांगने की मांग भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तथागत बुद्ध को भगवान माना जाना चाहिए। भिक्खू चंदिमा जी ने अपनी पोस्ट में लिखा, जब हम बौद्ध समाज के लोग पाली भाषा में बुद्ध वंदना करते हैं तो कहते हैं, इतिपि सो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विज्ञा चरण संपन्नो सुक्तो लोक विदु अनुत्रो पुरिस दम सार्थी सत्था देव मनुस्नानम बुद्धो भगवाती। अर्थात पूर्व बुद्धों की भांति शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भी भगवान हैं, अरहतम हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या और आचरणों से संपन्न हैं, सुगत हैं, संसार के जानकार हैं, सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता यानी गुरु हैं, बुद्ध भगवान हैं। बुद्ध वंदना में अंकित इन्हीं सद्गुणों के कारण संपूर्ण जगत के लोग तथागत भगवान बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान से देखते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। भिक्खू चंदिमा जी की इस पोस्ट पर राहुल कांबले ने कमेंट किया, जो आपको जानना चाहिए। उन्होंने लिखा, भंते जी, आपने जो पाली गाथा का वर्णन किया है वो बुद्ध ने नहीं कहा, उस वक्त के अनुयायियों ने उन्हें भगवान माना और पाली में गाथा लिख दी। बुद्ध ने खुद ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, कृपया उनका ईश्वरीकरण ना करें। राहुल कांबले के इस कमेंट पर भिक्खू चंदिमा जी जवाब देते हुए कहते हैं कि पाली भाषा में भगवान का जो मतलब है वो ईश्वर नहीं होता, वो उन्हें समझाते हैं। यानी कुल मिलाकर तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग दो धड़ों में बट चुके हैं। भगवान शब्द के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन असल में भगवान शब्द पाली भाषा से आया है और इसका मतलब ईश्वर नहीं होता। पाली में भगवान की परिभाषा है, भग रागो भग दोसो भग मोहोति भगवा, अर्थात राग यानी वासना रहित, द्वेष रहित और मोह रहित प्राणी को भगवान कहा गया है। ये एक ऐसी स्टेज है जब व्यक्ति द्वेष राग और मोह से मुक्त होकर अपने आप पर चिंतन करता है, खुद को पहचानता है, तो उस स्टेज को भगवान कहा जाता है। और बुद्ध ने भी राग द्वेष और मोह से खुद को मुक्त कर लिया था और इसीलिए उन्हें भगवान कहा गया है। ये पाली भाषा का शब्द है। इसी बारे में मैंने भंते सुमित रतन जी से भी फोन पर बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
तो मैं आप लोगों की राय जानना चाह रहा था, मैं उस पर एक वीडियो कर रहा हूँ कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब इज इट इंसल्टिंग या कुछ, मतलब आपको लग रहा है कि ये मतलब परेशान करने वाला सीन है या फिर ये मतलब इसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है? देखिए, लड़की की मंशा है कि वो छोटी है और वो जान नहीं रही है कि वो क्या, इसका मायने क्या होता है। ऐसी स्थिति में ये कोई अपराध नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति जान करके अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, बुद्धिज्म की परंपरा ही है। जैसे वो अबोध लड़की है, वो ऊपर चढ़ना चाह रही है, ऊपर दिखना चाह रही है अपने पापा को, है ना, तो कंधे पर चढ़ गई है। तो जो तकियन उसी लोग हैं, जो महायानी परंपरा के लोग हैं, जो बुद्ध को भगवान या ईश्वर मानते हैं, उनकी भावना को ठेस जरूर पहुंचेगी, लेकिन मेरे जैसे बौद्ध ऋषियों को ठेस नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि हम सिद्धांत को मानते हैं, दर्शन को मानते हैं, मूर्तियों में हमारी आस्था नहीं है जी। मूर्ति हमारे यहाँ सिर्फ प्रतीकात्मक है, प्रतीक है मूर्ति हमारे यहाँ, हम जैसा मानते हैं और बाबा साहब भी ऐसा ही मानते थे। जैसे स्टार्टिंग की जो 350 साल का बुद्धिज्म है, 400 साल का बुद्धिज्म है जी। इस बुद्धिज्म में चैत्य पूजा होती थी, स्तूप पूजा होती थी, संघ पूजा होती थी, मूर्ति कोई थी ही नहीं जी। सम्राट कनिष्क जब शासक होते हैं, जो बाहर के व्यक्ति होते हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी राजधानी बनाई, तो मूर्ति कला केंद्र उन्होंने मथुरा में स्थापित किया और चुनार में स्थापित किया और कालिंजर का किला बांधा, अपनी राजधानी बनाया दूसरी। सबसे ज्यादा उन्होंने मूर्तियों का प्रचलन किया है। सम्राट अशोक ने कोई मूर्ति नहीं बनवाई, स्तूप बनवाए, चैत्य बनवाए उन्होंने जी। जी, तो ये विवाद जो है, मतलब इस पे बहुत, मतलब जैसे हिंदू सेक्ट एक विरोध करता है कि उनके प्रतीकों के, संस्कृति के बारे में कोई कुछ बोल दे और फिर वो उसको लेके बहुत बवाल मचाते हैं, तो ये हमें लगता है कि जो बौद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध दर्शन में विश्वास रखने वाले हैं, उनको मतलब इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, आपका ये मानना है? परेशान होना ही नहीं चाहिए, नहीं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं उसमें जी। एक्चुअली जब मूर्तियों में बुद्ध नहीं है, बुद्ध प्रतीक है कि ऐसे बुद्ध थे, बुद्ध को किसी ने देखा नहीं है, बुद्ध ने स्वयं मना किया है कि कभी भी मूर्ति पूजा ना करें, और राजा प्रसेन जितने मूर्ति बुद्ध के सामने बनवाने का प्रस्ताव रखा था जी। तो उन्होंने मना किया था कि मेरा दर्शन, मेरी विचारधारा, मेरी शुद्धता और मेरा आचरण और मेरा व्यवहार उस दिन खंडित हो जाएगा, लोग बुरे कर्म करके मूर्ति पूजा करने लगेंगे। हाँ, ये कहने लगेंगे मुझे माफ कर दो, बुद्ध, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जी। और क्या तथागत बुद्ध को भगवान मानना, मतलब भगवान आज की सेंस में, भगवान एक पाली भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है भग रागो, भग रोषो, भग मोह अनाहिता। जो व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को अपने परिश्रम से, अपने खुद के शुद्धिकरण से खत्म कर देता है, वह भगवान कहलाता है। ये पाली भाषा का शब्द है। भगवान से ही भगवंत बना, भगवान से ही भगवतो बना, भगवान से ही भगवा बना। बुद्ध के बाद इस शब्द का, पाली भाषा के बाद इस शब्द का भगवा नहीं, भगवंतो नहीं और भगवत नहीं, भगवान के तौर पर संस्कृत में और अन्य हिंदी भाषाओं में प्रयोग किया गया जी। अब ये शब्द भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, भगवान कृष्ण के सामने भी लग जाता है। तो इन भगवानों का चरित्र और बुद्ध के चरित्र में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए कुछ मानवतावादी, सिद्धांतवादी और अपने आप को अलग दिखने वाले लोग बुद्ध को भगवान अच्छा मतलब सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये प्रायोगिक बुद्ध का ही शब्द है, इन्होंने तो चोरी किया है जी। बनते सुमित रतन जी का साफ साफ कहना है कि इस सीन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। वैसे भगवा शब्द का अर्थ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी समझाया है। बाबा साहब ने जो पाली डिक्शनरी बनाई थी उसमें भगवा शब्द का अर्थ वर्शिपफुल यानी कि पूजनीय, वेनरेबल यानी कि सम्मानित, ब्लेस्ड यानी कि धन्य, होली यानी पावन बताया गया है। आप इसे डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस इंग्लिश वॉल्यूम 16 के पेज नंबर 72 पर देख सकते हैं, ये वहां पर आपको डिक्शनरी के शब्द मिल जाएंगे। कुछ लोग इस अर्थ को भी भगवान से जोड़ रहे हैं, लेकिन जब हम भग रागो, भग दोसो, भग मोहति भगवा के संदर्भ में इन अर्थों को समझते हैं तो यही लगता है कि जो व्यक्ति राग, द्वेष और मोह से ऊपर उठकर भगवान बन जाता है, वो स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो पूजनीय और सम्मानित हो जाता है।
लेकिन यहाँ भी भगवान या भगवा शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है। अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, ईसा मसीह ने खुद को ईश्वर का बेटा बताया, पैगंबर मोहम्मद ने भी खुद को अल्लाह का मैसेंजर बताया, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। बुद्ध कहते हैं कि मैं कोई दैवीय व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि सुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक बेटा हूँ। आप इसे द बुद्ध एंड हिज धम्मा पेज नंबर 198 पर देख सकते हैं, सम्यक प्रकाशन की ये किताब है, वहां आपको ये रेफरेंस मिल जाएगी। बुद्ध कहते हैं अत दीपो भव, बी योर ओन लाइट, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनना है, किसी और की रोशनी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप खुद को पहचानिए, खुद के गुणों को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को पहचानिए और उसके मुताबिक आचरण कीजिए, अपना रास्ता खुद बनाइए, किसी और के दीपक की रोशनी में चलने की आपको जरूरत नहीं है। तो बुद्ध यहाँ किसी पे डिपेंडेंट होने या किसी अलौकिक शक्ति को नकारते हुए ये कहते हैं कि आपको कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे अपने मार्ग पर चलना है, अपना दीपक स्वयं बनो, अत दीपो भव। बुद्ध ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, ये हमें समझना होगा। बौद्ध दर्शन में किस्सा मिलता है कि एक बार किसी देवता को मानने वाला व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज था, वो बुद्ध के पास पहुंचा और उसने पूछा कि क्या ईश्वर वाकई में होता है। तो बुद्ध ने कहा था, नहीं, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। इसके किस्से आपको बौद्ध दर्शन में मिल जाएंगे, यानी कि बुद्ध जो है वो किसी दैवीय शक्ति या चमत्कार पर भरोसा करने की बजाय चिंतन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर देते हैं। शायद दुनिया का इकलौता धर्म बुद्ध धर्म ही ऐसा है जो आपको चिंतन, तर्क और विज्ञान पर आधारित जो सोच है, जो काम है, उसको करने की प्रेरणा देता है। बाकी धर्मों में आप देखेंगे तो सभी धर्म क्या कहते हैं, आप ईश्वर की, आप अल्लाह की, आप जो जीसस हैं उनकी शरण में आ जाइए और सब कुछ उनको सौंप दीजिए, उसके अलावा कोई सवाल मत कीजिए। लेकिन बुद्धिज्म जो है वो इकलौता धर्म ऐसा है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बात कही कि बुद्धिज्म मुझे इसीलिए पसंद आया क्योंकि ये तर्क और विज्ञान पर आधारित धर्म है। बुद्ध कहते हैं कि किसी की बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो बात उसने कही है, मेरी भी बात तब तक मत मानो ये कि मैंने कह दिया है कि उसको मान लीजिए, बल्कि अपना दिमाग लगाओ, उसे तर्क की कसौटी पर कसो, और अगर तुम उस बात पर यकीन कर लेते हो, कन्विंस हो जाते हो, तो फिर उस बात को मान लो, नहीं मानना है तो मत मानो। बुद्ध ये आपको परमिशन देते हैं, ये इतनी लिबर्टी आपको उनकी सोच में, उनके धर्म में मिलती है। यानी बुद्ध लॉजिकल बातें करते हैं, मैजिकल बातें नहीं करते। कुल मिलाकर हमें ये समझना होगा कि बुद्ध को हम ईश्वर ना माने। पाली भाषा के शब्द भगवा और भगवान को ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर लिया है और इसका प्रचार ईश्वर के संदर्भ में किया गया है, इसलिए मौजूदा दौर में लोग भगवान का मतलब ईश्वर ही समझने लगे हैं और बुद्ध को भगवान मानते हैं। ब्राह्मणवादियों ने कैसे तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमें शब्दों के चयन और उसके अर्थों के इस्तेमाल में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें ये बात को समझना होगा कि क्या ब्राह्मणवादी साजिश हुई है, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं और कैसे आज जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो भी ब्राह्मणवादी तरीके से पूजा अर्चना या अनुष्ठान करने में घुस गए हैं, उसी तरह का व्यवहार करने लगे हैं, तो हमें उससे बचना होगा। हमें बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए अत दीपो भव का संदेश लेते हुए आगे बढ़ना होगा। लेकिन बुद्ध को ईश्वर नहीं मानना, हमारे बुद्ध कोई चमत्कार नहीं करते, हम उनके सामने प्रसाद चढ़ा के ये नहीं मानते कि वो भोग लगाएंगे, दीपक जला के ये नहीं कहते कि वो हमारा कुछ भला कुशल मंगल कर देंगे, जबकि हमें वो सिर्फ प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं हमारे पुरखों की तरह। तो हमें बुद्ध को इस रूप में भी देखना चाहिए। खैर, ये बात हुई तथागत बुद्ध की, अब बात करते हैं पारंजीत की फिल्म के इस सीन पर। क्या इस सीन से वाकई बुद्ध का अपमान हुआ है, ये सवाल जो है आप सबके मन में भी आ रहा होगा। सोनी लिव नाम की ऐप है, उस पर जाके आप इस फिल्म को देख सकते हैं और मेरी अपील है कि इस फिल्म को देखें ताकि आपको पूरा इस मसले को समझने में आसानी हो कि एक सीन को आधार बनाकर इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन अगले ही सीन में किस तरह से बच्ची के पिता बच्ची को उतार कर मूर्ति को साफ करते हैं और अपना सम्मान दिखाते हैं बुद्ध के प्रति, और वो जो कहानी है, वो जो प्लॉट है फिल्म का, वो किस तरह से जातीय संघर्ष को और इस पूरी की पूरी कहें कि स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाता है, उस पर वो पूरी की पूरी फिल्म है। और यही तो बुद्ध भी कहते हैं, यही तो बाबा साहब भी कहते हैं। तो आइडिया ऑफ बुद्ध एंड बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, उसी पर ही वो फिल्म आगे है। तो आपको फिल्म देखनी चाहिए। आपका अभी भी आपको अगर ये लगता है कि इस सीन से वाकई बुद्ध का अपमान हुआ है, तो इस सवाल का जवाब वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल की पोस्ट को पढ़कर आपको जरूर मिल जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, तुम्हारे देवता कमजोर होंगे, वे तो छूने से भी अपवित्र हो जाते हैं। ज्यादातर बड़े मंदिरों में देवताओं को छूने का अधिकार आज भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही है।
बुध अलग हैं। बच्ची अगर आसमान में उड़ने के लिए उनके कंधों का प्रयोग करना चाहती है तो वे खुशी से इसकी इजाजत दे देते। मैं बुध को ईश्वर नहीं मानता बल्कि अपना पूर्वज मानता हूँ, अपना महानायक और प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, जो मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं बुध का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस सीन से मेरी भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, क्योंकि बुध मेरे परिवार का हिस्सा हैं। बुध हमारे जीवन जीने के तरीके में हैं। बुध हमारे दादा परदादा की भूमिका में, पुरखों की भूमिका में हैं, और दादा की गोद में उनके कंधों पर बच्चे क्यों नहीं चढ़ेंगे, क्यों उनके साथ खेलेंगे नहीं, क्यों उनकी गोद में नहीं बैठेंगे? इसका जवाब आप अपने दिल से पूछिए, आप खुद इस सवाल का जवाब देखिए, क्योंकि हम बुध को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उनके प्रति वैसा आचरण नहीं करते कि भाई आप दैवीय शक्ति से कोई चमत्कार कर देंगे, हमारा भला कर देंगे, ग्रह की दिशा बदल जाएगी, ऐसा हम उनके प्रति सोच नहीं रखते। तो पारंजीत ने जिस सीन में बच्ची को बुध के कंधों पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया है, हमें उसकी भावना को भी समझना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची है, उसकी भावना निर्दोष है, वो बुध के सहारे आसमान को छूना चाहती है और वो बुध के संदेश को ही दोहरा रही है कि कोई ईश्वर नहीं होता। हम यहां भगवान शब्द का मतलब ईश्वर से जोड़ रहे हैं, तो मुझे ये सीन कोई आपत्तिजनक नहीं लगा, लेकिन ये तो मेरा मत है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है कि पारंजीत ने जो काम पहले किया है और बहुजन नायकों प्रतीकों पर किस तरह से शानदार उन्होंने फिल्मों में उनका इस्तेमाल करते हुए बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ाया है, और अब वो इस सीन के जरिए क्या उनको इस तरह से ट्रोल करना, उनके दलित होने पर सवाल उठाना, उनके ज्ञान पर सवाल उठाना, ये जायज है क्या, ये क्या सही है? उनकी ट्रोलिंग जो हो रही है उस पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे सीन पर आपकी क्या सोच है? बुद्धा को भगवान मानने का भगवान पाली वाला नहीं बल्कि ईश्वर वाला, तो उस पर आपकी क्या सोच है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही आपके सामने जो धम्मम फिल्म है उसका भी रिव्यू लेकर आऊँगा, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो इस पूरे मसले को समझने में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।